आज की प्रमुख खबरें, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइन पर। आगरा में पीलिया के प्रकोप से हाहाकार, एटा में परिवार ने जान को बताया खतरा, सीएम से लगाई गुहार। यूपी में अब अगर कानून व्यवस्था भंग हुई तो नपेंगे अधिकारी। अलीगढ़ में आरएसएस ने किया शहीद मुस्लिम फौजी के परिवार का सम्मान। योगी आदित्यनाथ के संगठन का विस्तार, छात्र इकाई का गठन। मैनपुरी में चाचा शिवपाल ने अखिलेश पर साधा निशाना। अधिकारियों पर नहीं है मुख्यमंत्री के आदेश का असर। बरेली में एंटी रूमियो अभियान कर रहा कमाल, जोर शोर से चर्चा। आरएसएस के कैंप में बच्चों को सिखाई जा रही राष्ट्रभक्ति। विशेषज्ञ की राय कि गर्मी में लापरवाही से बढ़ सकती है परेशानी। ताजनगरी आगरा के शमशाबाद में पीलिया के प्रकोप से हाहाकार मचा है। पीलिया से पीड़ित एक गर्भवती की मौत हो गई, वहीं कई परिवारों में परिवारजन संक्रमण से ग्रसित हैं। आगरा से 20 किलोमीटर दूर शमशाबाद कस्बे में 3 महीने पहले पानी की पाइपलाइन डाली गई थी। इस पाइपलाइन का पानी प्रयोग करने के बाद से मोहल्ला टोला, हरसहाय की खिड़की और गोपालपुरा के लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। हल्का बुखार, पेट में जलन, उल्टी के बाद शरीर पीला पड़ने लगा। इसी बीच 6 महीने की गर्भवती वर्षा की आंखें और शरीर पीला पड़ गया। परिजनों ने स्थानीय डॉक्टर झाड़फूंक के बाद आगरा के निजी अस्पताल में इलाज कराया, मगर उसकी मौत हो गई थी। साफ समस्या है कि पीलिया से पीड़ित है, पानी बहुत लोग हैं, आप 10-15 लोग कम से कम, और पानी से बहुत परेशान है, पानी से और नगर पालिका हमारी कुछ सफाई नहीं हुई। तो इलाज कहाँ करा है? हमने नगरिया गए थे। नगरिया क्या है? नगरिया में वो है मंदिर है, मट्टी वगैरह होता, कम गरीब लोग, इसलिए इलाज के लिए पैसे नहीं है। हमारे पानी माला वाला, हाँ हमारे बच्चों के हमारे एक कितने, हाँ अब तो पानी कैसे पी रहे हैं? पानी बोल करके पी रहे हैं, तो पानी पैसे है नहीं। एटा के रहने वाले एक परिवार ने इंसाफ न मिलने पर जान देने की धमकी दी है। परिवार का कहना है कि 3 साल में उसके परिवार के 2 लोगों की हत्या की जा चुकी है। अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिससे अब उनके परिवार को खतरा है। थाना निधौली कला के चित्तौरपुर गांव निवासी महेश चंद्र ने इंसाफ न मिलने पर परिवार सहित जान देने की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि उनके 2 भाइयों की हत्या कर दी गई। आरोपी पक्ष राजनीतिक रसूख वाला है, इसलिए पुलिस ने हत्या के मामले में आरोपी पक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई न करते हुए उसे पाक साफ बताकर मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। पीड़ित का कहना है कि उनके परिवार को आरोपी पक्ष से जान का खतरा है। पीड़ित ने कहा है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो अपने परिवार सहित आत्मदाह कर लेंगे। पूरे परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी इंसाफ की गुहार लगाई है। 17/9/2013 को मर्डर हुआ, उसका मुकदमा चल रहा है ट्रायल पे, और दूसरे भाई उसमें गवाह है, डेंजेंट था, उसको मतलब 25 और 26 की नाइट को, रात को 2 बजे लगभग उसका मर्डर कर दिया, और उस मर्डर में FIR लगाने की वो मतलब पुलिस फिराक में घूम रही है, और हमारे मोबाइल पे मैसेज भी आ चुका है FIR का, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने विवेचना बदली के लिए कहा है, IG साहब को 2 बार लेटर दिए, कप्तान साहब से भी 2 बार मिले, लेकिन हमारा अभी तक विवेचना बदली नहीं हुई है। सर आपके पास जो पहले सुरक्षा थी वो वापस ले ली? हाँ वो सुरक्षा भी सर वापस ले ली गई, बोला 3 महीने पूरे हो गए, अब नहीं मिलेगी आपको सुरक्षा। अगर FIR लग जाती, अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे? तो सर हम अपना जो जैसे पहले अनशन पे बैठेंगे, अनशन पे भी नहीं सुनवाई होगी तो फिर क्या करेंगे जी? क्या बचाई क्या है हमारा? 2 भाई मार दिए, उनके 7 बच्चे हैं, 1 के 2 1 के 5, तो हम अपना आत्मदाही करेंगे, फांसी खाएं, जहर खाएं, या जो भी कर पाए उचित समझे, मरना ही मंजूर है। फिर यूपी में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उच्चाधिकारियों ने अपने अधीनस्थों के पेच कस दिए हैं। उच्चाधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ हुआ तो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर भी इसकी गाज गिरेगी। DM नेहा शर्मा ने अधीनस्थों के पेच कसते हुए
कहा कि विवाद की स्थिति बनती नजर आ रही हो तो वहां प्रशासन और पुलिस दोनों के बीच सामंजस्य होना चाहिए। किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था पर आंच नहीं आनी चाहिए। जितनी भी हत्याएं होती हैं उनमें रंजिश निकलकर सामने आती है। अधिकतर रंजिशों के पीछे अवैध कब्जे की शिकायत होती है, इसलिए ज़िले भर में कहीं से भी अवैध कब्जे की शिकायत आए तो तत्काल उस पर प्रशासन और पुलिस को पहल करनी चाहिए। ऐसा ना होने पर संबंधित थानाध्यक्ष और प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आरएसएस ने हिंदू नववर्ष कार्यक्रम शहीदों को समर्पित किया। इस दौरान सीमा पर शहीद हुए बीएसएफ के जवान आदिल अब्बास की पत्नी को सम्मानित किया गया। अलीगढ़ में यह पहली बार हुआ है जब आरएसएस के मंच पर मुस्लिम परिवार का सम्मान किया गया। सन 2014 में बीएसएफ में तैनात आदिल अब्बास त्रिपुरा बॉर्डर पर घुसपैठियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। आदिल अब्बास ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने में अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। शहीद आदिल के परिवार में पत्नी और 3 बच्चे हैं। परिवार मुरादाबाद की मुंडरकी का रहने वाला है। बच्चों की शिक्षा के लिए परिवार अलीगढ़ में रहता है। शहीद आदिल के भाई यावर अब्बास भी पुलिस फोर्स में हैं। वो अलीगढ़ में थाना सिविल लाइन में तैनात हैं। यावर अब्बास ने बताया कि आदिल के शहीद होने के बाद सरकार ने जो घोषणाएँ की थीं वो अभी पूरी नहीं हुई है। यूपी में योगी सरकार बनने के बाद हिंदू युवा वाहिनी ने रफ्तार पकड़ ली है। अलीगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरह हिंदू युवा वाहिनी छात्र इकाई का गठन हुआ है। हिंदू युवा वाहिनी अपने संगठन का विस्तार कर रही है। अलीगढ़ में रविवार को युवा वाहिनी की छात्र इकाई का गठन किया गया। युवा वाहिनी के छात्र इकाई अलीगढ़ में जिलाध्यक्ष आदित्य पंडित को बनाया गया है। इनके साथ 65 छात्रों को सदस्यता दिलाई गई है। आदित्य पंडित ने बताया कि जल्द ही कार्यकारिणी का गठन कर लिया जाएगा। युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी महंत कौशल नाथ ने बताया कि कॉलेज में छात्र छात्राओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। युवा वाहिनी छात्र परिषद में प्रवेश करेगी तो सभी छात्रों को लेकर चलेगी और उनके सम्मान के लिए काम करेगी। तो हिंदू युवा वाहिनी जब छात्र परिषद में प्रवेश करेगी तो निश्चित रूप से छात्रों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, विश्वविद्यालय की भावना का सम्मान करते हुए सभी को साथ लेकर चलेगी और विश्वविद्यालय का विकास करेगी। इस उद्देश्य से छात्र इकाई का गठन किया गया है एवं आदित्य पंडित जी को जिलाध्यक्ष मनोनीत किया जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जुबानी हमले तेज हो गए हैं। पहले पिता मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश पर बड़ा बयान दिया, अब चाचा शिवपाल सिंह ने इशारों ही इशारों पर उन पर निशाना साधा है। शिवपाल यादव ने कहा कि जब किसी को बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है तो वो आदमी सही समय तक फैसले नहीं ले पाता। शिवपाल यादव रविवार को मैनपुरी के करहल में CRS पब्लिक स्कूल नगला बीच का उद्घाटन करने आए थे। स्कूल का उद्घाटन करने के बाद शिवपाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वो हमेशा नेताजी के साथ थे और रहेंगे। नेताजी ने पार्टी को कड़ी मेहनत करके बनाया है। नई पार्टी बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता की राय से फैसला लेंगे। तो ये है, मैंने कहा कि बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, और मैंने कहा कि जो नेताजी फैसला लेंगे, लेकिन फैसला हम लोग सोच समझ के लेना चाह रहे हैं, आपकी राय से लेना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता की राय से लेना चाहते हैं। जैसे समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के लोग हैं, उनकी राय लेकर के हम फैसला लेना चाहते। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भले ही सभी सरकारी कर्मचारियों को समय पर दफ्तर पहुंचने का निर्देश दिया हो, लेकिन मथुरा में इसका कोई असर नहीं है। शहर के जिला चिकित्सालय में आज भी डॉक्टर समय से नहीं पहुँचते। शहर के जिला चिकित्सालय और संयुक्त जिला चिकित्सालय वृंदावन में जहां मरीज की हालत पस्त पड़ी है, वहीं डॉक्टर अपनी ही दुनिया में मस्त हैं। हमारी टीम ने जब अस्पताल का जायजा लिया तो देखा कि OPD में न डॉक्टर है, न औषधि वितरण के केंद्र में फार्मासिस्ट और ना ही कोई रेडियोलॉजिस्ट मौजूद है। यहाँ कई ऐसे मरीज हैं जो करीब 35 किलोमीटर दूर के इलाकों से आए हैं, लेकिन डॉक्टरों के ना होने के कारण उन्हें बैरंग ही लौटना पड़ रहा है। नौ बजे तो वो राउंड में हो सकते हैं। 9 बजे अगर थोड़ा बहुत किसी ड्रेसिंग करनी हो तो
तो हो सकता है, अमूमन तो आ जाते हैं। 8 बजे सबकी अटेंडेंस जारी है, शासन को हमने अटेंडेंस भेजे रेगुलर यहीं से। बरेली में आईपीएस रवीना की देखरेख में चल रहे एंटी रोमियो अभियान की चारों तरफ चर्चा है। महिलाएं खुद को काफी सुरक्षित महसूस कर रही हैं और सरकार की इस पहल की तारीफ कर रही है। इस अभियान को लेकर जहां प्रदेश के कई जिलों से पुलिस द्वारा प्रेमी जोड़ों व अन्य लोगों के खिलाफ बदसलूकी की ढेरों शिकायतें आई हैं, वहीं बरेली में अधिकारी बेहद शालीनता से अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। गर्ल्स कॉलेज के आसपास व मंचलों के दूसरे तमाम ठिकानों पर ये अधिकारी सिविल ड्रेस में पहुंचकर चेकिंग करते हैं और मौके पर पकड़े गए लड़कों के माता पिता को बुलाकर उनकी काउंसलिंग कराई जाती है। अभी तक इस टीम द्वारा 72 लड़कों की काउंसलिंग कराई जा चुकी है। ताजनगरी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा बाल स्वयंसेवकों को शिक्षा दी जा रही है कि समाज को एक सूत्र में कैसे पिरोया जाए, उनके अंदर राष्ट्रभक्ति व समाज के प्रति अग्रिम भावना उत्पन्न की जा रही है। विजयनगर कॉलोनी स्थित विजय क्लब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की विजय शाखा का भव्य वार्षिक उत्सव संपन्न हुआ। संघ के प्रचारक विजय कुलकर्णी, अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षण प्रमुख मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि संघ बाल स्वयंसेवकों को मानसिक, शारीरिक व सामाजिक बल प्रदान करता है, जिसके कारण स्वयंसेवकों में राष्ट्रभक्ति व समाज के प्रति अग्रिम भावना उत्पन्न होती है। इन स्वयंसेवकों ने जो योग कलाएं, गीत, खेल व मलखंब योग के माध्यम से समाज को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया, वह निरोग काया का सपना पूर्ण करके दिखाया है। आगरा में पारा 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। डॉक्टर्स की हिदायत, जरा सी भी लापरवाही पड़ सकती है भारी। डॉक्टर सुनील बंसल ने बताया कि वैसे तो आगरा में भीषण गर्मी पड़ती है, लेकिन आमतौर पर अप्रैल में इतनी गर्मी नहीं होती और यही चिंता का विषय है। इस गर्मी को गंभीरता से लें, बुजुर्गों और बच्चों के लिए ये मौसम बेहद खतरनाक है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि कोका कोला या पेप्सी पीकर गर्मी से निजात पा सकते हैं, वे स्वयं को धोखा दे रहे हैं। इन चीज़ों से खुद परहेज करें और दूसरों को भी पीने से रोकें, नहीं तो परेशानी जानलेवा भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी से बचिए, कोल्ड ड्रिंक तो कतई मत पीजिए, कोल्ड ड्रिंक में तो आप जानते हैं पता नहीं क्या क्या तत्व मिले होते हैं और सिवाय चीनी के उसमें कुछ नहीं होता है। सर कोल्ड ड्रिंक तो गर्मी से राहत देती है? कोल्ड ड्रिंक राहत देती है टेम्पररी, वो तो बर्फ का पानी भी राहत देगी। ओके। लेकिन उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो तो आंतों का सत्यानाश कर देते हैं, तो उससे बचिए, खासतौर से बच्चों को तो बचाइए कम से कम। बहुत उसमें तत्व, हानिकारक तत्व पाए जा रहे हैं धीरे धीरे करके, देखा जा रहा है कि उसमें हानिकारक तत्व बहुत है और डायबिटीज के मरीज तो वैसे नहीं पी सकते। तो ये 5-4 चीजें ज्यादा बढ़िया है बजाय उसके कोल्ड ड्रिंक। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अधिक खबरें जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। लॉगिन करें www.patrika.com।